आखिर क्यों, क्या है रियल रीजन कि रोमन रेंस ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे WWE को छोड़ना अपने प्रोमो में टीज करा? कौन सा नया सुपरस्टार ब्लड लाइन का नया मेंबर बनने की कर रहा है टीज? एडम पियर्स ने ब्रॉक लेसनर की सस्पेंशन खत्म होने के बाद क्या बोला? सैमी सैन ने चैफाड़ी के बारे में क्या कह डाला? और ब्रायन डैनियलसन यानी कि डैनियल ब्रायन को ऐसा क्यों लगा कि वो रेसलमेनिया 37 के मेन इवेंट पे मरने वाले हैं? करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं ब्लड लाइन के न्यू टीम मेंबर के बारे में। ये टीम मेंबर कौन है? इसका नाम है केविन ओवंस। WWE के लाइव इवेंट पे केविन ओवंस हमें ब्लड लाइन रोमन रिंग्स की टी शर्ट पहने हुए नजर आए और इस लाइव इवेंट में मैच भी केविन ओवंस ने ब्लड लाइन की टी शर्ट को पहने हुए खेला। दोस्तों इसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना है कि केविन ओवंस लाइव इवेंट पे अपनी टी शर्ट्स ले जाना भूल गए, जिस वजह से केविन ओवंस ने इस WWE के लाइव इवेंट पे रोमन रिंग्स ब्लड लाइन की टी शर्ट पहन के मैच खेला। ये कोई नए टीम मेंबर की टीज नहीं थी, पर केविन ओवंस ने सोशल मीडिया पे इसका फायदा उठाया और हमारे प्राइस फाइटर ने अपने आप को ब्लड लाइन का मंडे नाइट रॉ का टीम मेंबर टीज कर दिया। पर असल में ऐसा कुछ नहीं है, पर दोस्तों एडम पियर्स की फटी पड़ी है क्योंकि ब्रॉक लेसनर को पूरे $1 मिलियन का नुकसान एडम पियर्स ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे करवाया था, जब एडम पियर्स ने ब्रॉक लेसनर को सस्पेंड करा और उन पे पूरे के पूरे $1 मिलियन का फाइन लगाया। दोस्तों ब्रॉक लेसनर की सस्पेंशन खत्म हो चुकी और एडम पियर्स ने अपने बयान में कहा कि ब्रॉक लेसनर की सस्पेंशन खत्म होना और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे वापस आना इट सक्स। एडम पियर्स ने कह डाला है कि ब्रॉक लेसनर की रिटर्न पे वो उनकी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे और ब्रॉक लेसनर से नहीं डरेंगे, पर ब्रॉक लेसनर उनके साथ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे क्या करेंगे ये उन्हें भी नहीं पता, इसीलिए वो ब्रॉक लेसनर से निपटने का अपना कोई ना कोई काम करके इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे जरूर आएंगे। यानी कि एडम पियर्स की ज्यादा फटी पड़ी है, रोमन रिंग्स तो डरे भी नहीं ब्रॉक लेसनर के आने से और यहाँ पे एडम पियर्स ही ब्रॉक लेसनर का इंतजाम करने में लग चुके। दोस्तों सैमी ज़ेन ने पीछे से चैफाड़ी को एलिमिनेट करा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर बैटल रॉयल में। इसके बाद चैफाड़ी का नंबर वन कंटेंडर ना बनना WWE फैंस को खासा नाराज कर गया। सैमी ज़ेन ने सोशल मीडिया पे कहा कि चैफाड़ी इस मैच को नहीं जीता क्योंकि चैफाड़ी इस मैच को नहीं जीत सकता था, मैं हूं नंबर वन कंटेंडर और मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप रोमन रिंग्स के खिलाफ जीतूंगा। दोस्तों सैमी ज़ेन ने फिर से चैफाड़ी की इंसल्ट करने की कोशिश करी। लगता है कि सैमी ज़ेन वर्सेस चैफाड़ी का मैच हमें नंबर वन कंटेंडरशिप के लिए जरूर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों डैनियल ब्रायन AKA ब्रायन डैनियलसन के बारे में, जिन्होंने इसी साल रेसलमेनिया 37 पे मेन इवेंट मैच में एज और रोमन रिंग्स को एक ट्रिपल थ्रेट मैच में फेस करा। डैनियल ब्रायन ने रिवील करा कि इस मैच को मेन इवेंट करने के बावजूद भी डैनियल ब्रायन इस वक्त अपने आप को खाली फील कर रहे थे अंदर से और उन्हें बार बार लग रहा था कि इस मैच में उनका फोकस नहीं है, इसीलिए इस मैच के दौरान वो मर भी सकते हैं। डैनियल ब्रायन ने साफ करा कि WWE में जब वो लड़ रहे थे, मैचेस खेल रहे थे, मेन इवेंट कर रहे थे, तो भी वो अंदर से खाली थे और यही रीजन उन्होंने आखिरी में दिया कि WWE को छोड़ने का रीजन भी यही था। तो दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं कि रियल रीजन क्या है कि रोमन रिंग्स लगातार टीज कर रहे हैं कि वो WWE को छोड़ देंगे। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे रोमन रिंग्स ने अपने प्रोमो में कहा कि मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूं, जब मेरा टाइम खत्म होगा जो जल्द ही खत्म हो सकता है तो पूरी दुनिया मुझे एक्नॉलेज
एक्नॉलेज करेगी। इन शब्दों के बाद प्रो रेसलिंग और WWE में तहलका मच गया, जिसके पीछे का रीजन दोस्तों दिया जा रहा है कि रोमन रिंग्स अपना WWE को छोड़ना इसलिए टीज कर रहे हैं कि जिस भी दिन वो टॉप स्पॉट से यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप से नीचे उतरे, वो WWE को छोड़ने का प्लान करते हैं और वो हॉलीवुड को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कई इंटरव्यूज में उन्होंने रिसेंटली रिवील भी करा है कि WWE के बाद उनका गोल हॉलीवुड में मूवीज एक्टिंग करने का है, जैसे उनके कजन ब्रदर था रॉक ने करा है। रोमन रिंग्स का WWE को छोड़ के जाना अभी तो नहीं होगा, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट साल 2023 तक WWE के साथ पहले ही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोमन रिंग्स को WWE को छोड़ के हॉलीवुड को ज्वाइन करना चाहिए? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।